फैक्ट्रीज में नुकसान की सूचना मिली है, जिसमें बड़े लार्ज स्केल पे जो निर्मित हो रहा फर्नीचर और जो स्टॉक का फर्नीचर था उसका जलने से नुकसान हुआ है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो स्थानीय जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो तो पहुंच चुकी है, और इसके अलावा चूरू से, डूंगरगढ़ से और तारानगर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रवाना हो चुकी है, और स्थानीय स्तर पर भी अपने स्तर पर प्रयास करके इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कितना का नुकसान होने का अनुमान है, कितनी वजहों का पता चल सका है? अब इसका जांच करवा रहे हैं, पता करते हैं कितना नुकसान हुआ। जो ही हमें आग का पता चला, भाई प्रहलाद जी श्राफ ने मुझे फोन किया और तुरंत प्रभाव से हमने हमारी जो दमकल दो गाड़ियां हैं उनको यहाँ भेजा है। नंदीशाला में हमने यहाँ हराचारा केंद्र में भी दो ट्यूबवेल चालू करवा रखे हैं, जहाँ से गाड़ियां पानी भर के आ रही है। और सीआई साहब से रहे जिम साहब ने जो आदेश दिए उसके मुताबिक जिले से जितनी भी दमकल्स हैं वो भी रवाना हो चुकी है। हमारे से जितना बन सकेगा इस आग पर काबू पाने का प्रयास करेंगे। ये सरदार शहर में मेरे हिसाब से, मेरे समझ के बाद में सबसे बड़ी आगजनी की घटना है, और इसके कारणों का पता लगाना होगा, जिसकी जांच करवाएंगे। एसडीएम साहब ने आपको आश्वस्त किया। सर, आग लगातार फैलती जा रही है? बिल्कुल नहीं फैलती जा रही है, पास की फैक्ट्रियों में इसका असर नहीं है। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जो ही दमकलें ज़्यादा आएगी उनको बुझाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाने का हम प्रयास करेंगे। सर, सरदार से क्षेत्र में इंतजाम किए जाएंगे, इसके लिए मैं बताऊँ, उपखंड अधिकारी महोदय हमारे पास खड़े हैं। आज ही हमने दोपहर में भाई प्रहलाद जी श्राफ से और बिरजमोहन जी श्राफ से इसकी चर्चा की थी। हमने आज से दो महीने पहले रिको से 1000 वर्ग मीटर की जमीन नगरपालिका ने मांगी थी फायर स्टेशन के लिए, वो हमें मिल चुकी है। उसका स्वीकृति लेटर भी हमारे पास आ गया है, और आगामी एक दो महीने में पूरा फायर स्टेशन नगरपालिका यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं। दो गाड़ियाँ हमारे पास है, एक गाड़ियाँ रिको इंडस्ट्रीज के भामाशाह से हम लेके, तीन गाड़ियाँ यही खड़ी करेंगे, यही हमारा स्टाफ स्थानांतरित करेंगे, ताकि आने जाने में लगने वाला समय इससे बचा जा सके, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ।